श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको तीन आसान से छोटे छोटे से उपाय बताने वाले हैं, जो कि आप शुक्र किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, या तो फिर सोमवार के दिन तो कर ही सकते हैं। और इस बार सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ रही है, तो बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहा है ये सारे उपाय करने का। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझ कर उपाय बताने का प्रयास करेंगे। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है शमी के पत्तों वाला उपाय। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या बड़ा है जिसको बल बुद्धि की लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं, धन के लिए उपाय करना चाहते हैं, इन चीज़ों की कमी है, या चाहते हैं उसके इन चीज़ों में ज्ञान में बढ़ोतरी हो, बल बुद्धि में भी विवेक में बढ़ोतरी हो, तो आपको ये उपाय करना है। शमी के पत्तों का लेना होगा 3 शमी के पत्ते इस तरह से, ठीक है। 3 शमी के पत्ते ले लेना। शमी के पत्ते अगर आपके घर में लगे हुए हो तो ये बहुत लाभकारी होते हैं। अगर शमी के पत्तों पर आप शाम के समय गोल बाती का घी का दिया जलाते हैं तो उस घर में भगवान शंकर कोई भी परेशानी नहीं आने देते हैं, जिस घर में शमी का पत्ता होता है। खैर, शमी के पौधा होता है, आपने ले लिया है 3 शमी के पत्ते। अब एक लोटा तांबे के लोटे में जल आपको लेना है अच्छी प्रकार से, ठीक है, अपने घर से ही जल लेना है। इसके अगली चीज़ जो चाहिए वो है शहद। थोड़ा सा आपको मात्र 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच भी ज़्यादा ही है, थोड़ा सा छोटे छोटे चम्मच से शहद लेना है। और वो शहद आपको उसी एक लोटा जल जो आपने लिया उसी में डाल देना है और घोल लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। अब आपके पास शमी पत्र हो गए और वो एक लोटा शहद वाला जल हो गया है। दोनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं, तो पहला शमी पत्ता जो है वो आपको जहाँ जलाधारी होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पे आपको समर्पित कर देना है। और डंडी जो है वो रखनी है नीचे की तरफ, बाहर की तरफ रखनी है। अगला चीज़ जो है वो आपको क्या कहाँ समर्पित करना है, अगला आपको गणेश भगवान का जो स्थान है दूसरा वहाँ पे समर्पित कर देना, और भगवान मयूर ध्वज का नाम लेते हुए, ठीक है, दूसरा भी आपने समर्पित कर दिया। अब जो तीसरा शमी पत्र है उसको आपको जो जल है उसमें डुबाना है, शहद वाले जल में डुबा के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। तीनों आपने शमी पत्र चढ़ा दिए। अगला चीज़ जो है वो एक लोटा जल जो आपने लिया हुआ है उसको आपकी जो भी मनोकामना, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका मनोकामना कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलना है, उसको बल प्राप्ति हो, बुद्धि ज्ञान हो, या धन संपदा की प्राप्ति, अपनी मनोकामना कह देनी है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद तुमरुका महादेव को स्मरण करते हुए, तुमरुका महादेव का नाम लेते हुए वो एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, केवल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आपने समर्पित किया तो वो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आने लगेगा। आपको थोड़ा सा जल जो है वहाँ से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जल आपको रोक लेना है, चाहे हाथ में रोक लीजिए या सीताम पात्र में रोक लेना है, बर्तन में रोक ले करके वो घर लेकर के आ जाना है। वो जल अपनी मनोकामना वगैरह वहाँ पर कह देनी है और फिर वो लेकर के पात्र आप घर आ जाएंगे। वहाँ पहुँच कर आपको जिस व्यक्ति के लिए उपाय किया है उसको वो जल का आचमनी करा देना है, पिला देना है। बहुत ही जल्द उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उसके बल बुद्धि ज्ञान विवेक में, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी, चाहे बुधवार चाहे फिर चतुर्थी तिथि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, अगर ये मुख्यतः है करियर के लिए, कोई व्यक्ति, कोई भी आपके घर का सदस्य है, करियर में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार के लिए मेहनत कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप काम मेहनत बहुत तो बहुत कर रहे हैं पर उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका काम रुक रुक जा रहा है, ऐसी समस्या हो रही है, मुख्यतः आपके करियर में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब आपको ये करना है, ये उपाय करना है। आपको लेना होगा सफ़ेद तिल, थोड़ा सा एक चुटकी सफ़ेद तिल ले लेना। उसके बाद आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, मतलब 2 लौंग लेनी है, एक जोड़ा जिसे कहेंगे, और फूल वाली लौंग होनी चाहिए। पूजा पाठ पे फूल वाले लौंग का उपाय करते हैं। 2 चीज़ें ले लें, एक चुटकी सफ़ेद तिल ले लिया है और एक जोड़ा लौंग ले लिया, साथ ही साथ एक लोटे में आपको जल भरना है। अब जो जल आपने लिया, अपने घर पे ही भरना है, जो जल आपने लिया है उसी में आपको वो एक चुटकी सफ़ेद तिल भी डाल देने हैं और जो लौंग का जोड़ा लिया है वो भी उसी में डाल देने हैं। उपाय
है का क्या करना है, आप अपने घर में जहाँ पर भी गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति है वहाँ पर आप ये उपाय करेंगे। इसके साथ ही एक दीपक तैयार कर लीजिएगा, गोलबाती का, गोलबाती दीपक लगाना है और घी का दीपक होना चाहिए। दीपक भी तैयार कर लिया अपने घर में, ये चाहे तो आप गणेश भगवान के मंदिर में भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। गणेश भगवान की फ़ोटो के सामने आपको क्या करना है, वो एक जो दिया लिया है वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। उससे प्रज्वलित कर दिया, आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो वहाँ पर कहना है कि हमारे करियर संबंधी समस्या जो है दूर हो जाए, ऐसी कामना करनी है। और एक लोटा जल जो आपने लिया हुआ है वो भी वहीं पर रखना है, जिसमें आपने दोनों चीज़ें डाली हुई है, एक तरफ दीपक और एक तरफ जल, आपको वहाँ रख देना और जल को ढक देना है, ठीक है। अपनी कामना, अपनी इच्छा जो भी है वो व्यक्त करते हुए, ये तो आपने सुबह पूजा में जब कर रहे हैं तब आपने कर लिया। उसके बाद शाम के समय जब चंद्रमा निकलता है तो जो एक लोटा जल आपने के रखा हुआ है उसी एक लोटा जल का आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। किस नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से चंद्रमा को उसी जल के लोटे का अर्घ देना है और अपनी कामना एक बार फिर से कह देनी है कि हमारे नौकरी नहीं लग रही है, करियर में तरक्की नहीं हो रही है, परीक्षा सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं, एंट्रेंस जो भी है वो व्यक्त कर देना है। बहुत आसान सा उपाय है, चतुर्थी तिथि के दिन ज़रूर करके देखें। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। अगर आपका घर नहीं बन रहा है, चाहते हैं अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं और अभी तक नहीं ले पाए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोन वगैरह कभी ट्राई कर लिया, मतलब सब कुछ कोशिश कर ली पर अपना घर नहीं हो पा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको करना क्या है, एक दीपक आपको बनाना है गोल बाती का और घी का एक दीपक बना लेना है। फिर आपको मोदक का भोग लेना है, मोदक गणेश भगवान को अति प्रिय होते हैं तो आपको थोड़ा सा मोदक का भोग भी लेना है और दोनों चीज़ें लेकर के चले जाना है किसी गणेश मंदिर आसपास, जहाँ पर भी गणेश भगवान की फ़ोटो मूर्ति हो वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पहुँचकर आपको जो ये दीपक लिया हुआ है आपको ओम गंगणपतये नमः कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जब आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया फिर आपको श्री गणेश पंचरत्नम स्त्रोत का पाठ करना है। ये मतलब पूरा पाठ आप इस स्त्रोत का पूरा कर लीजिएगा, एक बार कम से कम कर लेना है, ज़्यादा ना कर पाएँ तो, और अपनी इच्छा मनोकामना जो भी है वो करके देखिएगा। दो तीन बुधवार या चतुर्थी तिथि पर आप ये करके देखेंगे, कुछ ही उसमें आपके घर बनने के योग जो है शुरू हो जाएंगे, आपका अपना घर कुछ ही दिनों में आपको बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, सारे उपाय आपको चतुर्थी तिथि पर करने हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये उपाय? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उपाय समझ में आए हो तो फिर आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है आप सारे उपाय करें, कोई भी उपाय जो समस्या संबंधित हो करके देखिएगा, या फिर आप चाहें तो सारे उपाय अगर आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो फिर आप सारे उपाय भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।